जय की श्रोत, सादर प्रणाम, वेलकम टू मुंबई। कभी भी घर का खाना चाहिए तो हुक्म करना, मिल जाएगा। बस बाकी कुछ नहीं, बड़े लोग आए, सब बात अच्छे कर रहे हैं, मुझे अच्छा लगा। फिल्म बंधु सबको प्रणाम। सुभाष जी, आपके लिए मैं यहाँ बैठा हूँ, आपने मुझे लाया, थैंक यू। और बाकी जितने भी सीनियर हैं यहाँ पे, सबको बहुत बहुत प्यार। थिएटर का पॉपकॉर्न का कीमत जरा कम करो सर, 800 रुपया लेते पॉपकॉर्न का, ये क्या बात हुई। तो उत्तर प्रदेश में जब सिनेमा हॉल बनाएंगे, ऐसा उनको दंड रखना कि इतना नहीं खा सकते भाई, खाओ मगर पेट ना फट जाए, खाओ और खिलाओ मगर इतना कैसे खा रहे। सब में आप क्या नहीं, सब थिएटरों में मुझे लगता है बराबर ना 800 रुपया। हाँ तो सर बस उसी पे ध्यान दें तो लाख अंदर आना शुरू कर दे। थिएटर में पिक्चर बनाएंगे, स्टूडियो बनाएंगे, मगर अंदर कौन आएगा? वही आएगा ना जिसके बेचारा खाया जाए, तो ऐसा ना नंगा हो जाए। बाकी आपके परिवार को बहुत बहुत प्यार, आप आए आते रहें, खुशी होती है आपको देखने से। घर वाले पसंद करते हैं आपको, बाकी हमारे सारे मित्र यहाँ आए, सब आपको चाहते हैं, खुश रहें। कभी कुछ जरूरत पड़े खाना वाला तो बता दें सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। आप सर जरूर स्टैंड करेगा। सुनील शेट्टी सर जी, नमस्कार महाराज जी। सारे सीनियर्स ने बहुत बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी बातें कही हैं, तो मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। मेरा ननिहाल एक्चुअली यूपी है, तो मैंने यूपी में बहुत ज़्यादा समय गुजारा है। मैं एक्टर हूँ और प्रोड्यूसर हूँ, मेरे पिताजी और मैं फिल्म बनाते हैं, और बहुत अच्छा लगा यूपी का जो वीडियो देखा उसका शुरुआत मेरे वीडियो से हुई थी। सो आई वॉज वेरी हैप्पी कि कहीं ना कहीं वो कनेक्शन आ गया। सुगमा सर के मरवर गाना किया था मैंने, और मुझे पता है महाराज जी उधर क्या काम हो रहा है, बिकॉज मेरी मासी चाची बुआ सब वहीं रहते हैं कानपुर लखनऊ में। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो मैं तो आज ऐसा फ़ैन आया हूँ, एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी कि मुझे आने का मौका मिला मेरे सीनियर्स के साथ। और हम इंफ्रा में भी बहुत काम करते हैं, तो आई विल वॉन्ट टू से कि जो भी सपोर्ट मैं और मेरी फैमिली और कंपनी कर सकती है हम ज़रूर करेंगे। हमें एजुकेशन के ऊपर भी बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अधिकाधिक तैयार कलाकार हमको यहाँ से बनाने। और इसके साथ साथ पिछली बार जब हम मिले तब मैंने आपको एक छोटी चीज़ बताई थी, वो मैं थोड़ा उसका अधिक विस्तार के उस पर कहना चाहूँगा कि जैसे वैशाली जी ने अभी कहा कि अधिकाधिक थिएटर्स अगर हम उत्तर प्रदेश में बनाएं, तो उसका थोड़ा डेटा लास्ट टाइम से मैंने थोड़ा कलेक्ट किया हुआ है। तो उत्तर प्रदेश में 1 मिलियन पॉपुलेशन के पीछे, 10 लाख के पीछे 2.3 स्क्रीन्स हैं। यही संख्या महाराष्ट्र में 8.9 है, और यही संख्या आंध्र प्रदेश जो सबसे बेहतर है वहाँ पे 21% स्क्रीन्स हैं। तो यहाँ पे हम डेफिनेटली कुछ एक जगह पे इम्प्रूवमेंट ज़रूर कर सकते हैं। अगर हम 12 साल के ऊपर की लोग कहें जो कि जिसे हम टिकट बायर्स कहते हैं, तो उन वो टिकट बायर्स अगर हम देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में 24.5% टिकट बायर्स को एक्सेस टू सिनेमा हॉल्स है, वेरेज यही नंबर महाराष्ट्र में 35 से ऊपर है, और यही नंबर आंध्र प्रदेश में 47% है। सो देर इज़ ए ह्यूज स्पेस टू इम्प्रूव देयर सर। एंड इफ़ आई लुक एट द पोस्टल कोड्स, 1631 पोस्टल कोड्स इन उत्तर प्रदेश, आउट ऑफ विच 174 ओनली हैव एक्सेस टू सिनेमा हॉल्स। सो मुझे लगता है सर कि अगर हम सिनेमा गृह अधिक बढ़ाएं, हमें बहुत अच्छा लगता है कि हम जिसे हार्टलैंड कहते हैं, हम इस तरह से बहुत अमेजिंग सुविधाएं यहाँ पे बना रहे हैं। तो इस तरह से अगर हम यहाँ पे अगर टिकट सेल्स भी अगर बढ़ा कर सकें, तो अधिकाधिक हार्टलैंड की बेस्ड फिल्म बनाने का प्रोत्साहन मुंबई, सिर्फ मुंबई नहीं पर भारत के सभी फिल्म मेकर्स को उसको एक प्रोत्साहन मिलेगा। थैंक यू सर।